ग्वालियर शहर के झांसी रोड थाना क्षेत्र में एक 16 साल की नाबालिग से पड़ोस में अपने रिश्तेदार के यहाँ आए दो युवकों ने गैंगरेप किया। इसके बाद नाबालिग किशोरी के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित SC ST एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर एक युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं दूसरे युवक की तलाश जारी है। जानकारी के मुताबिक झांसी रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत ओपो की बगिया में यह दोनों आरोपी युवक अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ आए हुए थे। दोनों आरोपियों की नज़र मोहल्ले में रहने वाली एक नाबालिग किशोरी पर पड़ी, जिसके बाद उसे बातों में फंसाकर कमरे पर ले गए और वहां बंद कर दोनों आरोपी राजा यादव और अर्जुन यादव ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। इसी तरह नाबालिग चंगुल से छूटकर घर पहुंची, परिजनों को पूरा वाक्या सुनाया। इसके बाद परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। ये थाना झांसी रोड अंतर्गत एक नाबालिग बालिका थी, जिसके साथ उसी मोहल्ले में रहने वाली एक महिला के घर उसका दामाद और उसका भांजा आया हुआ था, और ये लगातार यहाँ पे आते रहते थे ग्वालियर में। इन लोगों ने इसके साथ दुष्कर्म किया है। इसमें एक आरोपी पकड़ लिया गया है और दूसरा एक आरोपी जो है वो मौका रहने वाला है भिंड जिले में, उसके लिए हमारी टीम गई हुई है, उसे भी शीघ्र पकड़ लिया।